है ना? हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुजराती में डेब्यू कर रहे, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बाद? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसी एक फिल्म है जिसके अंदर मैंने, मतलब ऐसी कोई फिल्म में मैंने कभी काम नहीं किया. स्पोर्ट्स फिल्म है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली गुजराती है और मैं गुजराती हूँ, मेरी मदर टंग गुजराती है, तो बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली एक्साइटेड है क्योंकि मेरी मम्मी गुजराती फिल्म्स की बहुत बड़ी फ़ैन है. तो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ अ होमेज टू, यू नो, ऑल द गुजरातीज आउट देयर एंड टू ऑल द पीपल हुम आई वॉन्ट टू कनेक्ट. टीजर को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, आप कोच की भूमिका में दिख रही, जितना कि टीजर को दिख रहा है, थोड़ा सा अलग कैरेक्टर वाला, थोड़ा सा जैसे आप टीजर में देख सकते हो कि एक फुटबॉल कोच का किरदार निभा रही हूँ मैं. जो बच्चे हैं वो जुवेनाइल होम्स के बच्चे हैं, और ये लड़की जो है वो कैसे ट्राई करती है कि उनको एक गलत रास्ते से, गलत मोड़ से निकाल के एक सही रास्ता दिखाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ से वो लोग अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके. क्योंकि इसके बाद अगर इन्होंने कोई गुनाह किया, अगर कोई क्राइम किया, सो देन उसकी सज़ा बहुत बड़ी है. जुवेनाइल्स में तो फिर भी, मतलब छोटी छोटी उम्र के होते हैं तो उसके अंदर से निकल जाते हैं, क्यों बड़े जेल तक जाने का मौका नहीं होता है. पर अगर एग्जैक्टली, क्योंकि इसके बाद अगर कोई गलती की तो इनके पास और कोई ऑप्शन, देर इज़ नो ऑप्शन, दे आर गॉन फॉर एवर. So she's trying to save them, she's trying to give them a good path, she's trying to make them understand के जो तुम करते आ रहे हो वो लाइफ नहीं है, लाइफ ये है, यहाँ से नई शुरुआत करो. तेरे नाम से द लास्ट फिल्म आपकी जो है दबंग थी. हाँ. मैम, देखा जाए तो फिर कुछ ना कुछ तो रहता ही है फिल्में, तो ही आप चूज करती है, इसमें क्या खास बात लगी आपको? सबसे पहले तो बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि एक फुटबॉल कोच का किरदार ईजी नहीं होता है, क्योंकि फुटबॉल का उतना नॉलेज होना ज़रूरी है. और जितनी भी मुझे नॉलेज है वो ऑनेस्टली, जब मैंने फिल्म की शूटिंग करना स्टार्ट किया उसके 2.5 महीने पहले, मैंने खाली फुटबॉल की प्रैक्टिस करी हूँ. मैंने उसके लिए पूरा प्रिपेयर किया है कि फुटिंग कैसे करते हैं, ड्रिबलिंग कैसे करते हैं, किकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अगर मैं वो सही से नहीं कर पाऊँगी तो वो रियल भी लगेगा नहीं. आप डुप्लीकेट से करवा सकते हो, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद से करनी बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम लकी कि मुझे एक्चुअली जैन सर, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम दिया प्रेपरेशन के लिए, और फिल्म में जितने भी स्टंट्स हैं वो सारे मैंने खुद किए हैं, हमने कहीं भी ड्यूब का इस्तेमाल नहीं किया. कुछ इंजरीज हुई, क्योंकि 2.5 महीने का अर्सा काफ़ी बड़ा होता है, और फुटबॉल देखा जाए तो पूरा फिटनेस पे डिपेंड है, 90 मिनट्स का गेम होता है जितना. फिटनेस के मामले में देखिए, क्योंकि मैं डांसर रह चुकी हूँ तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मेरी ऑलरेडी थी, स्टेमिना में प्रॉब्लम नहीं था. हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे 3 दिन आई वॉज बेड रेस्टेड फॉर 3 डेज, क्योंकि मेरा नी बहुत पेन कर रहा था. मे बी मैंने शायद गलत स्विंग कर लिया होगा किक में, तो वो काफ़ी चीज़ें थी जो हमें एक्चुअली में नज़र, वी हैड टू कीप इन माइंड, सो दैट, क्योंकि अगर मेरी इंजरी प्रोलॉन्ग हो जाती तो वो उतने ही दिन, यू नो, ज़्यादा मुझे बाद में देने पड़ते और फिल्म आगे और उतनी पुश हो जाती थी. बट लकीली हमारे जो मेरी कोच थी, उन्होंने टेक केयर किया था वो सब चीज़ का. और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरी जो प्रैक्टिस होती थी वो सुबह 6:30-7 बजे की होती थी, तो मैं फुटबॉल ग्राउंड पर पहुँचूँ उसके पहले जयंत सर वहाँ पर होते थे. सो आई थिंक बहुत कम मैंने ऐसे देखा है कि डायरेक्टर इतने सुबह सुबह आ जाते हैं प्रैक्टिस के लिए. आई मीन दे आर देयर फॉर द रीडिंग्स एंड ऑल, बट प्रैक्टिस के अंदर ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल प्रोफेशनल एक फुटबॉल कोच होते हैं. बट ही वॉज सो डेडिकेटेड, आई थिंक दिस इज़ वन डायरेक्टर हुम आई हैव सीन, ही एक्चुअली ट्रीट्स हिज प्रोडक्ट लाइक अ बेबी. आई मीन गुजरात 11 की स्क्रिप्ट पहले उसके बाद हम सब आते थे. बट इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जब डायरेक्टर का पैशन दिखता है कि इतना है, सो वी नो कि फिल्म जो है वो अलग लेवल पे लेकर जाएंगे. और आपने टीज़र देखा होगा तो उसके अंदर, जैसे मैंने मेरी फ्रेंड्स को दिखाया तो उन्होंने पूछा मुझसे, उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये गुजराती फिल्म है. दे कुड नॉट बिलीव इट, क्योंकि जयंत सर ने कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे बड़ा स्टेडियम, वो फुल क्राउड से भरा हुआ, देन ऑल्सो द वे इट लुक्स, द
the grounds and all, it looks beautiful and it looks larger than life. किस तरह का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा काम करने का, क्योंकि न्यू कमर्स भी दिख रहे हैं इस फिल्म में? देखिए, अभी न्यू कमर्स तो मतलब मैं भी न्यू कमर ही थी तो, और मैंने जिनके साथ काम किया उनको 20-21 साल का एक्सपीरियंस था, तो वो एक इंसान पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले बंदे को कैसा फील करवाते हैं. तो मैं कोई भी फिल्म पे काम करती हूँ, शायद मेरे जूनियर्स के साथ हो या मेरे सीनियर्स के साथ हो, मैं खुद को जूनियर ही समझ के चलती हूँ ताकि मैं और चीज़ें सीख सकूँ. तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे ये बच्चे भी है, आई मीन उसके अंदर से कुछ नॉन एक्टर्स है पर कुछ एक्चुअली एक्टर्स है, उन्होंने फिल्म्स की है गुजराती में. और हम जैसे शॉर्ट कट होता था ना, वैसे हम सारे एक पूरा ऐसे गोला बना के बैठ जाते थे और हम लोग मस्ती करते थे. और वहाँ से हमको डांट पड़ती थी, चलो चलो शॉट लेना है, सन जा रहा है. तो ऐसे सिचुएशंस बहुत हुए, बट इट वाज फन, इट वाज एक्चुअली लाइक अ फैमिली. सलमान सर ने भी तारीफ की है फिल्म टीज़र की, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में और कुछ बातें हुई होगी? आई एम सो ग्लैड कि हम जानते हैं कि सलमान सर बच्चों को कितना पसंद करते हैं. सो जब मैंने उनको ये टीज़र दिखाया, ही सेड दैट इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड इट डजंट लुक लाइक अ गुजराती फिल्म. आई थिंक द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव डन अ रियली गुड जॉब. एंड इनफैक्ट उन्होंने मुझे सामने से कहा कि सेंड मी द लिंक, आई एम गोइंग टू पुट इट अप. एंड आई वाज लाइक, आर यू श्योर? क्योंकि इफ़ यू आपको एक्चुअली में ट्वीट करना है तो आप ट्रेलर आएगा वो ट्वीट कर लेना, टीज़र मत करिए. सर नहीं नहीं मैं दोनों करूँगा. ओके ठीक है, कर दीजिए. सुपर मैम, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए खासतौर पर, जो इतना प्यार दिया आपको अब तक देखा जाता? आपका प्यार ही है जो यहाँ तक मुझे लेकर आया है. एंड ये मेरी एक पहली कोशिश है और मैं गुजराती फिल्म करने जा रही हूँ पहली बार. मैं खुद एक गुजराती हूँ, ऑल द गुजरातीज आउट देयर, आई नो दैट यू लव मी. आई रियली वांट यू टू गो एंड सी दिस फिल्म बिकॉज इट्स अ वेरी हैप्पी गो लकी फिल्म विथ अ ब्यूटिफुल मैसेज. इट्स नॉट अ सीरियस फिल्म, इट्स अ लाइट हार्टेड फिल्म, बट अ फिल्म विथ अ सोल विच एक्चुअली कनेक्ट्स एंड रिलेट्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. थैंक यू.